sleep with this cold milk. किस 100 फुट इक्कीस सौ फुट की ऊंचाई पे खड़े हैं हम। यहां से कूदने वालों में 82% तो 18% जो बेचारे बच जाते हैं वो बाकी उम्र व्हीलचेयर पर पड़े पड़े ये सोचते रहते हैं कि हम बचे ही क्यों। एक स्पेशल पोजीशन है, उसके बल अगर आप कूदोगे तो 100% गारंटीड प्लेसमेंट ऑन द वॉल। ओह आई एम सॉरी, आई एम गुलशन जोराहट। क्या चाहिए? मैं एक बिजनेस चलाता हूं, थोड़ा सा अजीब बिजनेस जरूर है लेकिन घर बार का खर्चा निकल आता है उससे। क्या है कि मैं यहां से लोगों को धक्का देता हूं ताकि वो उस 18% की कैटेगरी में आकर जिंदगी भर ना पछताते रहें कि मैंने गुलशन से हां हां क्यों नहीं की। इट्स जस्ट अ जोक सर, इट्स जस्ट अ सिंपल जोक, पर आई कैन सी यू डोंट लाइक जोक्स। हाँ जाहिर है आप यहाँ जोक सुनने तो नहीं, जिंदगी के क्रूअल जोक्स की वजह से आए हैं। एंड ओनली गॉड इज लाफिंग। मैं यहाँ सुसाइड करने नहीं आया हूँ। पैरा जंपिंग करने आए हो, वो तो लगता नहीं। ए जाना भाई, क्यों तंग कर रहे? तंग? अरे नहीं सर, ये बिल्कुल लीगल बिजनेस है, फुली रजिस्टर्ड एंड ऑल। कि खुद को मारना जरा मुश्किल होता है, इसलिए मैंने ये बिजनेस चला रखी है ताकि ये काम जरा आसान हो जाए। इसकी फीस भी लगेगी 10,000 रुपए इंक्लूडिंग GST फॉर वन पुश। मुझे मालूम है थोड़ा ज्यादा है, बट आई प्रॉमिस यू इट विल बी वर्थ इट। नहीं चाहिए। अगर बाय चांस आप बच गए तो आपको वापस दोबारा धकेला जाएगा। एंड नो चार्जेस फॉर dragging or pushing this time on the house. बिल्कुल फ्री। बोला ना नहीं चाहिए। दिमाग ऑलरेडी खराब, और खराब मत कर। All right, don't get angry. Continue, please. मैं शायर बदनाम मैं चला
अरे तू पागल वागल है क्या यार? तुझे कोई काम नहीं है? जाके अपना काम करो। वही तो कर रहा हूँ। मजाक सूझ रहा तुझे? तुझे पता भी है मेरे साथ क्या गुजर रही है? नहीं, मैं तो सिर्फ आपकी मदद करने आया। अरे नहीं चाहिए तेरी मदद। अगर एक सेकंड और दिखाई दिया ना मुझे तू यहाँ, तो सबसे पहले मैं तुझे धक्का दूंगा, और वो भी फ्री में। परसेंट जो बेचारे बच जाते हैं वो बाकी उम्र व्हीलचेयर पर पड़े पड़े ये सोचते रहते हैं कि हम बचे ही क्यों। तो कैसे करेंगे? सिंपल ट्रिग्नोमेट्री सर, जिस पर हमने स्कूल में कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब देखिए लाइफ में कितनी काम आ रही है, मतलब डेथ में कितनी काम आ रही है। तो ये हैं आप, आपने मुझे पैसे दिए, उसके बाद वो स्पेशल पोजीशन जो मैं आपको सिखाऊंगा जिससे आप सर के बल गिरेंगे, फिर मैं आपको धक्का दूंगा और टिप 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 था द एंड, एवरीबॉडी विंस। मुझे आपके हाथ जरा बांधने पड़ेंगे। क्यों? आप मुझे भी साथ लेके ना कूद पड़े। नहीं, वो मैं गुस्से में कह रहा हूँ। और मुंह भी मेरे कुछ बोलने से तुम्हें फर्क पड़ेगा क्या? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप ही के लिए है सर। अब जाहिर है आप तो नहीं चाहोगे ना कि धरती पर आपके लास्ट वर्ड्स हों बहनचोद भोसड़ी के 100 कुत्तों से चुदेगी माँ की डोरी, ऐसा कुछ नहीं? तो वैसे वेट 2100 है। कैश इतना ही है मेरे पास। गूगल पे भी चलेगा। तुम्हें डर नहीं लगता ये ट्रांजैक्शन के चक्कर में पुलिस ने पकड़ लिया तो? पुलिस को कोई परवाह नहीं है सर, परवाह तो किसी को भी नहीं है, इसीलिए तो आप यहां हैं। आ गया, चलिए। वो मिलेगा? ओ हाँ, ऑफ कोर्स, वो तो मुझे भी चाहिए, आफ्टर ऑल आई नीड अ पुश टू पुश यू। कम। अरे ये आप ही के नाम का है ये, से आप ही बोलिए। थैंक यू। एक आखिरी डिसीजन, इसके बाद मैं प्रॉमिस करता हूं आपको लाइफ में कोई डिसीजन नहीं लेना पड़ेगा। तो AM या PM, मतलब आप AM में मरना चाहोगे या PM में? मैं नहीं पूछ रहा, जमाना पूछता है। क्या है, किसी को मौत के टाइम के साथ AM अच्छा लगता है, किसी को PM, अपनी अपनी पसंद है। देयर इज नो वैल्यू जजमेंट हियर। 11:47, अगर AM चाहिए तो फिर फटाफट करना। नहीं नहीं, PM। ओके ठीक है, PM।
तुमने आज तक कितने लोगों को धक्का दिया है? आप पहले होंगे। क्या? अरे टेंशन मत लीजिए आप, मैं 2 साल से यही कर रहा हूँ, पूरा एक्सपीरियंस है मुझे। लेकिन क्या है कि जैसे ही मैं लोगों के मुंह पे टेप लगाने जाता हूँ ना, पता नहीं उन्हें क्या हो जाता है। खैर मेरे साथ वो सब नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम्हारे पास उस 18% के डर से आया, वरना जम तो मैं कब का कर चुका होता। Really? Sorry, you can turn around now. एक बात पूछूं, तुम ये सब करते क्यों हो? अरे अधेड़ उम्र का बेरोजगार इंसान और करे क्या, काम वाम पे तो रखता नहीं है कोई। वैसे एक छोटी सी सैड स्टोरी और भी है। एक दिन मैं आप ही की तरह परेशान होकर यहाँ आया था कूदने के लिए, पर हिम्मत नहीं हुई। आते जाते लोगों से मैंने कहा भी कि भाई पैसे दे दूंगा, मुझे धक्का दे दो, पर सब पागल पागल कहने लगे। जब जिंदगी में कोई ऑप्शन बचता नहीं है, तभी इंसान को ऐसी बातें सूझती है ना, पर समझता कौन है। उस दिन मैंने तय कर लिया कि मेरे रहते कोई किसी को पागल नहीं बोलेगा। और तुम जंप क्यों करना चाहते थे? अरे वही पुरानी बीमारी, लव, स्ट्यूपिड ओल्ड लव। तो फिर दोबारा अटेम्प्ट क्यों नहीं किया? कैसे समझाऊं? इस तरह कोशिश करता हूं। एक दिन रुक्मणी ने श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु आप मुझसे कितना प्रेम करते हो? तो कृष्ण बोले तुमसे ज्यादा नहीं। तो रुक्मिणी हैरान हो गई, पूछने लगी प्रभु ऐसा क्यों? तो कृष्ण जी मुस्कुराए और उससे कहा कि इसलिए कि मैं तुम्हारा पहला प्रेम हूं और तुम मेरा दूसरा। रुक्मिणी और हैरान हुई और कहने लगी कि पर इसमें अंतर क्या है, प्रेम तो आखिर प्रेम ही होता है। तो कृष्ण जी ने उसे अपने पास बुलाया, उसके कंधे पे हाथ रखा और हंसकर बोले राधा मेरा पहला प्रेम थी। मैं सोचता था अगर हम अलग हो गए तो मैं जीवित नहीं रहूंगा, पर हम अलग हो गए और मैं मरा नहीं। उस दिन मैं समझ गया कि प्रेम सिर्फ एक भाव होता है और ये भाव दोबारा भी उत्पन्न हो सकता है। इसलिए मैं तुम्हें एक भाव से प्रेम करता हूं और तुम मुझे निर्भाव। जरा आप खोलेंगे? ओ सॉरी, आपके तो हाथ बंधे हुए हैं। कोई लास्ट वर्ड्स? आई डोंट वॉन्ट टू जम्प। ओके, क्या कर रहे हो, मुझे नहीं कूदना। ऐसे कैसे सर? ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए, प्लीज कूदिए ना, थोड़ा सा तो कूदिए। पागल, मुझे नहीं कूदना, हाथ खोलो मेरे। देखिए मैं पैसे वापस नहीं कर पाऊंगा, शिकायत की वजह से ज्यादा लोग आते नहीं है, इस तरह मेरी हालत बहुत खराब है आजकल। मुझे पैसे नहीं चाहिए, तुम रख लो। ऐसा कैसे, मैं अनएथिकल काम नहीं करता? अरे मुझे कूदने ना देने के लिए रख लो। अरे टेप तो कटवाते जाइए, मैं खुद काट लूंगा। थैंक यू। और दोबारा कूदने की कोशिश क्यों नहीं की? अजीब सी कहानी है। कैसे बताऊं? ओके, आई विल ट्राई। तुलसी जो थी वो शिव अवतार जालंधर की पत्नी थी। एक दिन इंद्र ने भ्रम से उसे छल लिया। वो रोती बिलकती विष्णु के पास पहुंची और पूछने लगी उसके साथ ये क्यों हुआ, क्यों उसका दिमाग ये सब